एबीसी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 4:3:2। इनमें से बी रिटायर हो गया और बी की जो कैपिटल बैलेंस है सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, जैसे कि रिजर्व और रिवोल्यूशन प्रॉफिट, बट गुडविल का एडजस्टमेंट करने से पहले वो थी ₹1,39,200। यानी जो बी की कैपिटल है उसमें रिवोल्यूशन प्रॉफिट ऐड हो चुका है, रिजर्व जो भी है वो इनको दिए जा चुके हैं, और उसके बाद बी का जो बैलेंस है 1,39,200 है, बट अभी गुडविल का ट्रीटमेंट होना बाकी है, गुडविल का अमाउंट क्रेडिट किया जाना बाकी है। ए और सी ने एग्री किया कि वो बी को ₹1,50,000 यानी ₹1,50,000 पे कर देंगे इन फाइनल सेटलमेंट। आपको साथ साथ ए और सी का नया रेशियो भी गिवन है इस बच्चों, विच इज़ 5:3, इट्स नॉट 5:8, इट इज़ 5:3। सो देयर न्यू रेशियो इज 5:3। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको पहले पता करना है कि बी की गुडविल कितनी है। ठीक है, दिस इज हिडन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, एंड देन आपको ए और सी का गेन निकालना है, उससे गेनिंग रेशियो आ जाएगा, एंड देन एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बी की गुडविल निकालने के लिए करना क्या है बच्चों, जितना बी को फाइनल सेटलमेंट में पे किया जाएगा और जितना इसका कैपिटल बैलेंस है बाकी एडजस्टमेंट्स के बाद, उनका डिफरेंस ही बी की गुडविल होगी। तो बच्चों बी के हिस्से गुडविल आ गई 10,800। ठीक है बच्चों, अब ए और सी का हम गेन ढूंढ लेते हैं। क्लियर बच्चों, और गेन निकालने के लिए उनके न्यू शेयर में से उनका ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे। ए का गेन आया 13/72, सी का गेन आया 11/72, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, सॉरी गेनिंग रेशियो हो गया इन लोगों का 13:11। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बी को तो हम 10,800 दे देंगे और यही अमाउंट ए और सी में बांट देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो जो कि 13:11 है। तो आइए बना लेते हैं जर्नल एंट्री भी। तो जर्नल एंट्री में हमारे एंट्री होगी क्या, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। बी में डाल दीजिए 10,800। अब इस 10,800 को इनके गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए 13:11। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ए डेबिट होगा 5850 से, सी डेबिट होगा 4950 से, और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा बच्चों, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिडन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। शिवम कपिल और दीपक जो हैं वो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:1:2। कपिल रिटायर हो गया और उसका कैपिटल बैलेंस रिजर्व और रिवोल्यूशन प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद आया 3,50,000। अभी गुडविल का एडजस्टमेंट करना बाकी है। शिवम और दीपक ने कहा कि हम जो है ₹4,20,000 पे कर देंगे कपिल को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी कि जो उसे एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है वही कपिल के हिस्से गुडविल है। अब उन्होंने ये भी कहा कि इसके अकाउंट को सेटल करने के लिए वो उसे कैश ना दे के कंप्यूटर दे देंगे जिसकी वर्थ ₹4,20,000 है। ठीक है बच्चों, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले निकालना है कपिल के हिस्से ही गुडविल। ठीक है बच्चों, एंड देन अब क्योंकि इसमें कोई नया रेशियो गिवन नहीं है तो आपको शिवम और दीपक का गेनिंग रेशियो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओल्ड रेशियो 3:1:2 था जिसमें कपिल का हिस्सा 1/6 है, तो 3:1:2 में से 1 को हटा दीजिए, बचा 3:2, वही नया रेशियो हो जाएगा शिवम और दीपक का, और वही हो जाएगा उनका गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको जो है कपिल के हिस्से गुडविल ढूंढनी है, देन आपको शिवम और दीपक का गेनिंग रेशियो निकालना है जो कि ऑलरेडी आ जाएगा 3:2 एज वेल एज देयर न्यू रेशियो। फिर आपको एंट्रीज पास करनी है, दो एंट्रीज पास करनी होंगी आपको यहाँ पर, एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री और दूसरा उसके अकाउंट को सेटल करने की एंट्री जो कंप्यूटर देके किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हमने कपिल के हिस्से गुडविल निकाल ली 4,20,000 जितना उसको दिया जा रहा है, माइनस 3,50,000 जितना उसका कैपिटल बैलेंस था बाकी एडजस्टमेंट्स के बाद। अब हमें एंट्री पास करनी है फॉर गुडविल, जिसके लिए आपको गेनिंग रेशियो शिवम और
दीपक का 3:2 को लेना होगा, ठीक है बच्चों। उनका ओल्ड रेशो था 3:1 था, जिसमें कपिल का हिस्सा 1 था, तो कपिल का हिस्सा हटा दिया तो 3:2 नया रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों हो गया। अब 70,000 को 3:2 के रेशियो में बांटना है, ठीक है बच्चों। और एंट्री बन गई बच्चों, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट 42,000, 28,000 और 70,000। अगली एंट्री में बनानी है कपिल के कैपिटल अकाउंट को सेटल करने की, जो कंप्यूटर देके किया गया है, तो उसकी एंट्री बनेगी कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने ये दोनों एंट्रीज बना ली। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन बच्चों हिडन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों।